प्रदेश में अपने जगह पर अगर मुख्यमंत्री चुनने का भी जब समय आया तो माननीय नेता ने महादलित परिवार के मांझी समाज के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद दिया। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार से व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है। अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति महादलित का कल्याण उसी महादलित में पैदा करके ही कर सकता है। वैसे समाज के लोग जो इस समाज से आते थे उनको ये अभिमान देने का काम किया कि जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ के काम करता है उसको समाज और उसको नेता चाहे उसको मुख्यमंत्री रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जिस बिहार का बजट 40 करोड़ रुपया था, 38 करोड़ रुपया था अनुसूचित जाति जनजाति का, आज 1800 करोड़ के आसपास। जीतन राम मांझी के पास ना हैसियत थी ना उनके पास समर्थन था कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार का कृपा हुआ और वो मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें कि अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिए। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपने दल से रत्नेश सदा को इस मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया। आज उनका शपथ ग्रहण हुआ। इस दौरान आज शपथ ग्रहण के बाद अशोक चौधरी ने इस बयान को दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त रूप से तमाम जो मंत्री हैं उसमें कई मंत्री मौजूद थे, रत्नेश सदा भी मौजूद थे। वहाँ पर अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जो अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, ना तो उनकी हैसियत थी कि मुख्यमंत्री बन जाते, ना ही उनके पास वो समर्थन था। नीतीश कुमार की कृपा हुई तो मुख्यमंत्री बने और आज हम इसे आँख दिखाने की काम कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा और कितने भद्दे तरीके से जीतन राम मांझी पर उन्होंने कटाक्ष किया है, आप पूरे वीडियो को देखिए। कि जिस समाज के उत्थान के लिए माननीय नेता ने लगातार संघर्ष किया और जिस दशरथ मांझी को पूरे देश में दिखाने और समझाने का काम किया, इसलिए नहीं कि दशरथ मांझी बिहार के थे, बल्कि इसलिए कि जो लोग हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेला, जिस समाज ने लंबी जिसको बोलते हैं समाज में अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के इलाज के खातिर पूरे पहाड़ को काटने का काम किया और माननीय नेता ने पूरे देश और दुनिया को उस व्यक्ति से परिचय कराया। न सिर्फ परिचय कराया बल्कि अपने जगह पर बैठा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और वैसे समाज के लोग जो इस समाज से आते थे उनको ये अभिमान देने का काम किया कि जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ के काम करता है उसको समाज और उसको नेता चाहे उसको मुख्यमंत्री रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और दशरथ मांझी जी के जाने के बाद इस प्रदेश में उनके नाम को जीवित रखने के लिए और उस समाज के जो सबसे दलितों में भी महादलित समाज था, उस समाज के लोग को ये ध्यान रखने के लिए कि दशरथ मांझी इस परिवेश में एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ काट करके और जिसको बाद में माउंटेन मैन कहा गया और उनके ऊपर बॉलीवुड के कलाकारों ने, अभिनेताओं, निर्माताओं ने मूवी भी बनाया जो कि बहुत फेमस भी हुआ, उनके नाम पे योजना की शुरुआत की कि जो लोग इस समाज से आते हैं उनको यह एहसास हो कि दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करते हैं उसको समाज रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय नेता ने इस महादलित समाज के लिए जिस बिहार का बजट 40 करोड़ रुपया था, 38 करोड़ रुपया था अनुसूचित जाति जनजाति का, आज 1800 करोड़ के आसपास की योजना इस बिहार में है। और हम मानते हैं कि महादलित परिवार के एक व्यक्ति होने के नाते कि कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति महादलित का कल्याण उसी महादलित में पैदा करके ही कर सकता है। नीतीश कुमार उसके लिए नजीर हैं जिन्होंने इस प्रदेश के तमाम महादलितों के उत्थान के लिए कई कई नई योजनाओं की शुरुआत की। और इस प्रदेश में अगर महादलित इस प्रदेश में अपने जगह पर अगर मुख्यमंत्री चुनने का भी
जब समय आया तो माननीय नेता ने महादलित परिवार के मांझी समाज के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद दिया। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार से व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है, और माननीय नेता ने मांझी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज दोबारा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आज रत्नेश सदाजी जो हम लोगों के पार्टी के एक मजबूत पूरे नॉर्थ बिहार के और पूरे बिहार के एक मजबूत साथी हैं, जिन्होंने अपने खून पसीना से इस पार्टी को सींचने का काम किया है, और तीन तीन बार के विधायक हैं माननीय नेता ने, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, कभी जीवन में उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा कि बिहार के मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। आज माननीय नेता ने उनको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया है, मंत्रिमंडल में जगह दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके आने के बाद पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। और माननीय जो हमारे दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी जी और उनके दामाद मिथुन मांझी जी भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, इससे मांझी समाज से लेकर पूरे महादलित परिवार में एक नए उत्साह का संचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।